अंसल सुशांत सिटी उपभोक्ता संघर्ष समिति आगरा ने भिजपुरी क्षेत्र स्थित अंसल सुशांत सिटी में एक बैठक की इस बैठक में उपभोक्ता संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों ने अंसल बिल्डर पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगाए अंसल सुशांत सिटी उपभोक्ता संघर्ष समिति आगरा ने बिचपुरी क्षेत्र स्थित अंसल सुशांत ताज सिटी में एक बैठक की इस बैठक में उपभोक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष पवन दीक्षित ने बताया कि उन्होंने जीवन भर की कमाई अंसल सुशांत सिटी के इस प्रोजेक्ट्स में यह सोच कर लगाई थी कि भविष्य में इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हुए रुपए दोगुने होंगे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ बिल्डर्स ने हमारे साथ फ्रॉड किया शासन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है पवन दीक्षित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में दखल देते हुए पीड़ित ग्राहकों को न्याय दिलाने की मांग की सोसाइटी तो में मैंने तीन प्लॉट लिए थे आज जिस भाव में लिए थे वो भाव जीरो हो चुका है मैंने ये सोचा था कि अपनी बेटी के लिए अपने बेटी की पढ़ाई के लिए यहाँ पे एक प्लॉट परचेज लेके डाल करके डालूंगा लेकिन जिस रेट में हमने लिए थे वो रेट तो क्या आज की डेट में हमारा प्लॉट है कि नहीं है वो भी हम कंफ्यूज्ड हैं आज की डेट में जिस तरीके से यहाँ पे हम एपीआई के जो एम्प्लॉई हैं वो छोड़ छोड़ के भाग गए हैं पता ही नहीं है ऑफिस कहाँ पर है मिलते नहीं हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं हमें अभी तक पजेशन नहीं दिया है हमारे प्लॉट एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं मेरे साथ फ्रॉड ये हुआ कि मैंने यहाँ पे एच ब्लॉक में और आर ब्लॉक में दो प्लॉट बुक किए थे अच्छी लिविंग के लिए क्योंकि जब डेवलपमेंट चल रहा था बारह से और पंद्रह के बीच में इन्होंने तकरीबन मेरे से बाईस लाख रुपये ले लिए और ये जब मैंने पूछा भाई रजिस्ट्री करेंगे तो रजिस्ट्री करने के लिए इन्होंने बोला कि आप रजिस्ट्री कर दीजिएगा मेंटेनेंस का पैसा भी ले लिया लेकिन मेंटेनेंस का पैसा लेने के बाद जब मैं गया जिन्होंने इनको वकील को जो कुलदीप शर्मा जी एडवोकेट थे इनके जो करते थे तो उनके पास कोई मेंबर नहीं आया लगातार मैं जाता रहा ऑफिस में लेकिन इन्होंने कोई भी कोई कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं की सिर्फ आश्वासन देते रहे कि सब आपका जो आर ब्लॉक में प्लॉट है उसको तो हम दूसरी जगह आपको एलोकेट कर देंगे जिसमें विनय यादव बल्लभ शर्मा और संदीप जैन वगैरह थे तो लगातार मैं यहाँ आता रहा क्योंकि मैं भी एक कार्यरत कार्मिक हूँ मुझे यहाँ बहुत समय नहीं दे पाता इन चीज़ों के लिए तो ये धोखाधड़ी का इन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीर और मैंने अपना पूरा पीएफ का पैसा इसमें लगा दिया जो मैं रिटायरमेंट से लेके आया था वो मैंने सारा सारा इसमें बुक कर दिया था मैंने यहाँ पर प्लॉट और एक बिल्डअप में इन्वेस्टमेंट किया था और इन्होंने विद इन थ्री ईयर्स टू थाउजेंड में मैंने इन्वेस्ट किया उन्होंने तीन साल बाद बोला था कि आपको सारा कुछ बन के मिल जाएगा लेकिन तीन साल बाद यहाँ पर कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ और उसमें रजिस्ट्री के लिए जब बात हुई तो इनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था तो रजिस्ट्री की कोई सवाल ही नहीं उठता था फिर अभी तो यह हालत है कि ना यहाँ पे जो इतना भी डेवलपमेंट हुआ था वो एक्चुअली वापस उसी स्टेट में आ गया है सारी रोड बर्बाद हो गई हैं सारी जो घर बनाए थे इन्होंने वो इतने डिटोरिएट हो गए हैं पाँच साल में कि वो ऐसा लगता है खंडर हो अंसल सुशांत सिटी उपभोक्ता संघर्ष समिति की बैठक में मौजूद ग्राहकों ने बताया कि आज से 20 साल पहले लगभग 500 एकड़ भूभाग में इस आवासीय परियोजना को लॉन्च किया था इसको देखते हुए दो से अधिक परिवारों ने अपने सपने के आशियाने के लिए विला और प्लॉट्स की बुकिंग की थी

ऐसा तो जो है उन्होंने भूमि को बेच करके ये अंसल ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया हम चाहेंगे कि हमें जल्दी न्याय मिले आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि आगरा में अंसल ए द्वारा एक प्रोजेक्ट पाँच एकड़ का बनाया गया जिसमें एक हजार EWS और एक हजार LIG मकान गरीबों को अलॉटेड किए गए थे जिसमें से आज तक नहीं बनाए गए जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिक योजनाओं में, में सम्मिलित था सूच में कहना चाहता हूं कि इतने निम्न श्रेणी के गरीबों को इस कंपनी ने लूटा है आप स्वयं समझ जाएं कि इस जो है इस कंपनी ने कितने लोगों को लूटा होगा मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से इस चैनल के माध्यम से कि जो है गरीबों को यहाँ घर दिलाए जाएं ये जितने भी यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे अंचल से पीड़ित हैं इनके अपने प्लॉट हैं बिल्डअप हैं और अभी तक कुछ लोगों की रजिस्ट्री हुई है कुछ लोगों की रजिस्ट्री हुई नहीं पैसे इनसे पूरे जा चुके हैं बार बार उनको अंसल को लिखने के बावजूद भी उस साइड से कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई और कोई भी सुनवाई नहीं हुई नई कॉलोनी को डेवलप किया गया अंसल सुशांत सिटी में वर्ष 2015 से कोई काम नहीं हुए हैं टाउनशिप में बनी विला फ्लैट्स धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो गए ग्राहकों को न्याय दिलाने के लिए अंसल सुशांत सिटी उपभोक्ता संघर्ष समिति आगरा हाई कोर्ट में वाद करने जा रही है सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट